आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फाइटर फिश का एक्वेरियम सेटअप किया है, इसको बेटा फिश भी कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ ये एलईडी लाइट। यहाँ पे मैं मकान से ये एलईडी लाइट खुद से मेड किया है। उसके बाद एक्वेरियम के शॉप से ये वाला बनाया हुआ है। तो ये डिवाइडर है, 2 फीट का एक्वेरियम है। यहाँ पे एक डिवाइडर है, यहाँ पे एक डिवाइडर है, और जो एक्वेरियम है ना उसके ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक डिवाइडर है। देखिए आप इसको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे डिवाइडर है। तो पूरा डिवाइडर के तरफ से इधर उधर के मछली वगैरह नहीं जा सकते हैं। ऊपर ये दिया हुआ है क्योंकि ये जो फिल्टर है यहाँ पे लगा हुआ, ये फिल्टर का जो ये वाला वाटर है ऊपर नहीं आएगा और एलईडी को उतना परेशान नहीं करेगा। नीचे स्टोन है, वाटर को फिल्टर करेगा। क्या होता है, इसके नीचे स्टोन वगैरह है, स्टोन के उधर खाली है, फिश नहीं जा सकता मगर वाटर अप डाउन कर सकते हैं। उसके उसके फायदा क्या होगा, वाटर फिल्टर हो जाएगा पीछे से मगर मछली नहीं जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 बेटा फिश का सेटअप किया है। यहाँ पे एकदम प्योर रेड बेटा फिश है ये। ये ऑर्डर देके मंगाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में छोटा बेटा फिश मिलता है, बिग टेल बेटा फिश नहीं मिलता है। ये बहुत एग्रेसिव होता है, एक दूसरे को मारने के लिए हर समय तड़पता है। यहाँ पे छुपा हुआ है ये वाला बेटा फिश, ये रेड के साथ ब्लू का मिक्सडअप हुआ है, ये प्योर ब्लू वाइट एंड रेड। यहाँ पे एक है वो पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पे प्योर रेड है, फिल्टर है पीछे, और यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंटर है। आप पानी डालने के बाद 2 दिन के बाद ही मछली डालना, उसके पहले नमक वगैरह सब डाल देना। देखिए इतना अच्छा लग रहा है, ये भी ऊपर आ रहे हैं, ये वाइट टेल है प्योर ब्लू के साथ। ये बिग टेल फाइटर फिश ऑर्डर देना पड़ेगा, बेटा फिश ऑर्डर देना पड़ेगा। इसका टेल थोड़ा कम है बाकी दोनों से मगर ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये पीछे छुपा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए सेटअप किया, ये वगैरह सब दे दिया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऊपर से क्या हुआ, ये एलईडी लाइट देने से एक्वेरियम का गेटअप बहुत चेंज हो गया वगैरह। आप यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, मैंने ऑक्सीजन लगाया मगर मछली को डिस्टर्ब कर रहा था इसीलिए ऑफ रखा। बहुत दिन के बाद यूट्यूब चैनल में वापस आया, आप लोग प्यार दीजिएगा तो फिर आएंगे। ये वाला पीछे छुपा हुआ है, अभी था फ्रंट पे, देखिए ये वाला को। बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो क्या होगा, फिल्टर पीछे से हो रहा है वाटर मगर मछली को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए ये मिडिल में डिवाइडर जरूर लगाना। और ये वाला डिवाइडर तो मछली को सेफ रखने के लिए, और वाटर इतना डालना डिवाइडर के उस पर से इस पर मछली नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव फिश है। देखिए देखिए ये वाला भी बाहर आया, ये भी बहुत बढ़िया है बाकी दोनों से। इसका व्हाइट टेल है। ये सब ऑर्डर दे के लेना ले आना पड़ेगा, एक्वेरियम शॉप से आप जाके ऑर्डर दे के ले आ सकते हो। और ये एक्वेरियम बनाने का आइडिया अगर चाहिए तो आप SMS कर सकते हो, यूट्यूब पे हम सब दे देंगे डिटेल्स कैसे बनाना है, क्या कॉस्ट पड़ेगा। देखिए ये दोनों बहुत एग्रेसिव है, एक दोनों को देख के पंख फैला रहा है और देखने में बहुत बढ़िया भी लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो
चलो थैंक यू, मेरा और भी एक्वेरियम है, मैं बाद में आपको और एक्वेरियम सेटअप दिखाऊंगा, आप ऐसे देखते रहिए। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गेट थम्स अप।